वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, खोले जाएंगे सैनिक स्कूल। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, साथ ही प्रदेश के कई शासकीय स्कूलों में सुधार किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जहां भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 3 जिले के जवाहर नवोदय स्कूल में बदलाव किया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रायसेन में बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने शनिवार को रायसेन स्थित डाइट परिसर में 1,55,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले एक हॉल तथा 2 कक्ष के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने बताया कि मप्र के पहले महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना रायसेन में होगी। सीएम शिवराज ने जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए की बड़ी घोषणाएं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त मध्य प्रदेश के दौर पर हैं। कल जबलपुर नर्मदा की महाआरती करने के बाद राष्ट्रपति रविवार को दामों पहुंचे। यहां उन्होंने जनजातीय समूह के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने जनजातीय समूह के स्वर्गीय विकास के लिए बनाए गए आदि रंग पोर्टल की शुरुआत भी की। लाखों खर्च फिर भी नहीं बुझा पाई प्यास, बढ़ रहा जल संकट। जिले में जनता की प्यास बुझाने के नाम पर नल जल योजना में लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। कई गांव में यह योजना जल संकट दूर करने की बजाय शोभा बढ़ाने में लगी है, तो हैंडपंप जल स्तर गिरने से बंद हो गए हैं। इसे गर्मी शुरू होने से पहले ही गाँव में बड़ी समस्या में लोग पानी के लिए परेशान है। 82 प्रधान आरक्षक पदोन्नत होकर बने सहायक उप निरीक्षक। जिले के 82 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। रविवार को पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रधान आरक्षक को कंधों पर एक सितारा लगाकर सहायक उप निरीक्षक का दायित्व सौंपा। पेंच पावर परियोजना के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विद्युत उपलब्धता के क्षेत्र में पेंच पावर परियोजना अब शीघ्र ही मूर्त रूप लेगी। पेंच पावर परियोजना के शुभारंभ के उपरांत न केवल स्थानीय स्तर के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ व्यापार के व्यवसाय में वृद्धि होगी। बिजली की मांग एवं पूर्ति के साथ ही बिजली की पर्याप्त उपलब्धता से जिले व प्रदेश का विकास होगा। यहाँ के मुख्य डाकघर में महिलाओं के लिए होगा विशेष काउंटर, युवतियों को मिलेगी यह सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित मुख्य डाकघर में एक विशेष व्यवस्था के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी तैयारी मुख्य डाकघर प्रबंधन द्वारा कर ली गई है। प्रधान डाकघर अभिकापुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को एक विशेष व्यवस्था के तहत प्राथमिकता देने की तैयारी डाकघर के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। ट्रैक्टर पर बैठकर मेरठ पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस दिलवाएगी किसानों को उनका हक। प्रियंका गांधी का नया तंज की नीति पर काम कर रही सरकार। प्रियंका गांधी ने गांव केले में आयोजित किसान पंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब जब भी आप संकट में होंगे तब तब कांग्रेस आपके साथ होगी। सरकार को हर हालत में किसानों को उनका हक देना होगा और कृषि बिलों को वापसी लेना होगा। बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च देगी सरकार, बनवाने लेबर कार्ड। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से श्रमिक पंजीकरण किया जाता है। केंद्र या राज्य सरकार श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लाभ उचित लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए सबसे पहले पंजीकरण किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार इसी के तहत यूपी श्रमिक पंजीकरण करती है।
मुफ्त में देख सकते इंडियन प्रीमियर लीग का हर मैच। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के 14वें सीजन का आयोजन पूरी तरह से भारत में ही होगा। हालांकि आईपीएल मैचों के लिए दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन आप घर बैठे बिना एक रुपये दिए भी इंडियन प्रीमियर लीग का हर मैच देख सकते हैं। अभी और बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। खबर नई दिल्ली से। कच्चे तेल की सप्लाई में कटौती जारी रहने और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी के साथ तेल की बढ़ती मांग के कारण बीते सप्ताह के आखिरी तीन शर्तों में बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड भाव करीब 12% की उछाल के साथ $70 प्रति बैरल के करीब पहुँच गया। तेल में फंडामेंटल मजबूत होने से दाम में और तेजी के आसार बने हुए हैं। पीएम किसान स्कीम के तहत 2000 की आठवीं किस्त चाहिए तो तुरंत कर ले ये काम। जानकारी के मुताबिक इन राज्यों किसानों का आधार वेरिफिकेशन के बाद सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार सहित अन्य राज्यों किसानों का आधार वेरिफिकेशन करेगी। इन दौरान गड़बड़ी मिलने पर इन किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि की राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपके आधार में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो 31 मार्च तक ठीक करा लें। अब घर बैठे बनवाएं आधार कार्ड। आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और न ही लंबी लाइनों में लगने की जरूरत है, क्योंकि अब पोस्टमैन आपके घर आकर आधार कार्ड बनाएंगे और उन्हें संशोधन भी करेंगे। प्रधान डाकघर सुल्तानपुर के हेड पोस्टमार्टम पवन कुमार श्रीवास्तव ने जिले भर के सभी डाकियों को इन संदर्भ में निर्देश दे दिए हैं। इसमें कहा गया है कि पोस्टमैन घर जाकर जरूरतमंदों लोगों के आधार कार्ड संशोधन करें या नया बनाने में सहयोग करें। मुस्लिमों ने भी खूब दिया दान, 2500 करोड़ से ज्यादा आया धन। राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से शुरू हुआ धन संग्रह अभियान 27 फरवरी को पूर्ण हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने रामलला के लिए 25 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि अंतिम आंकड़े आने अभी शेष हैं, फिर भी 4 फरवरी तक की प्राप्तियों के आधार पर कहा जा सकता है। ड्राइविंग पेंटिंग में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। पत्रिका ग्लोबल फेस्ट का आगाज रविवार को पेंटिंग और ड्राइविंग प्रतियोगिता के साथ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन कन्या स्कूल इटावा में किया गया था, जहां बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लेकर महिला सशक्तिकरण विषय पर अपनी कलाओं को उखेरा। प्रतियोगिता को लेकर सभी में उत्साह दिखा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।